हेलो दोस्तों, नमस्ते। पूनम सुश्री 24 में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज रायता, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और हमारे सेहत के लिए इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स सभी भरपूर मात्रा में हैं। और इसे हम कुछ सब्जियों के साथ बनाएंगे, ठंडे ठंडे दही के साथ बनाएंगे। और इसका टेक्सचर देखिए, ये सारे सब्जी आपको दिखाई देंगे और कलरफुल सब्जी है, बहुत ही टेस्टी ये बनता है साइड डिश के रूप में। इसे आप बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ या फिर किसी भी स्टफिंग डिश के साथ, आलू पराठे के साथ, सत्तू पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बनाना। मिक्स वेज रायता बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे सब्जी और दही। देखिए दही मेरा घर का है, जमा हुआ दही है, बिल्कुल ठंडा है। इसको हम सबसे पहले फेंट लेंगे अच्छे से, विस्कर से या फिर दाल मखनी से या फिर चम्मच से, किसी भी चीज़ से अच्छे से क्रीमी टेक्सचर में इसको हम फेंट लेंगे। और सब्जी को हम अच्छे से धो करके, वॉश करके इसको हम अच्छे से काट लेंगे, महीन महीन काटना है। देखिए सब्जी में है खीरा है, ककड़ी है, एक प्याज है, एक टमाटर है, आधा गाजर है, हरी मिर्च है और थोड़ा सा फ्रेश धनिया पत्ता है। चलिए इन सभी को हम छील करके काट लेते हैं और दही को फेंट लेते हैं। देखिए सारे सब्जी हम काट लिए हैं, देखिए सब्जी भी कट गया है और देखिए दही भी हम फेंट लिए हैं अच्छे से, पूरा क्रीमी टेक्सचर में है। इस तरह का हमें टेक्सचर चाहिए। इसमें हम लेंगे सादा नमक और ये चाट मसाला, काला नमक, भुना हुआ जीरा, फ्रेश धनिया पत्ता और हरी मिर्च, दो मिर्च लिए हैं, तीखा अपने अकॉर्डिंग लेंगे। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम दही डाल देंगे। दही मीठा और फ्रिज में रखा हुआ ठंडा होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, टमाटर, ककड़ी, खीरा, गाजर। सब्जी ऑप्शनल है, आपको जो भी पसंद हो आप अपने पसंद का सब्जी डालेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो ये सब हम दिखा रहे हैं सब्जी यही सब्जी डलाएगा, आपका जो भी मन में इच्छा हो, जो भी आपको पसंद है सब्जी वही सब्जी डालें। सिर्फ आपको टमाटर प्याज ही पसंद है तो टमाटर प्याज ही डालें, या फिर कोई और सब्जी आपको अगर पसंद है तो इसके जगह पर आप कोई और सब्जी भी डाल सकते हैं, जैसे बंधा गोभी भी डाल सकते हैं। अब हम डाल रहे हैं इसमें देखिए हरा मिर्च, तीखा अपने अनुसार डालना है, तीखा कम ज़्यादा। और हम डालेंगे इसमें धनिया पत्ता, अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ जीरा, ये बहुत ही स्पाइसी और चटपटा बनता है। खट्टा दही का यूज़ नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम इसमें डालेंगे काला नमक, रायता में काला नमक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। चाट मसाला ऑप्शनल है, पसंद है तो डालें। और जरा सा सादा नमक। अब हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, दही का क्वांटिटी में ज़्यादा रहेगा। सब्जी आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं तो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और कट करके भी डाल सकते हैं, शेप आप अपने अनुसार डालेंगे सब्जी का, किस तरह से हमें काट के डालना है, ग्रेट करके डालना है या महीन काट के डालना है या बड़े बड़े पीसेज में काट के डालना है, आपको जैसे पसंद हो वैसे आप कट करें सब्जी को और उस तरह से बनाएं। और किसी भी तरह से बनाएंगे लेकिन रायता बहुत ही अच्छा बनता है मिक्स वेज रायता। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, टेस्टी और हेल्दी भी है। टेस्ट तो है ही, हेल्दी भी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है।
गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा साइड डिश के रूप में से खाएं, स्पेशली बिरयानी के साथ या फिर पुलाव के साथ, आलू भरा के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। मिक्स वेज रायता बन के तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से चाट मसाला डेकोरेट कर देंगे। इसमें आप ग्रीन चिली के साथ साथ, आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं साथ में, या फिर सिर्फ ग्रीन चिली डाल सकते हैं। देखिए डेकोरेट करने के लिए हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कर रहे हैं, देखने में अच्छा लगता है और मिक्स करने के बाद भी अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। देखिए इस तरह से मिक्स वेज रायता हमारा बन गया है और बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही स्पाइसी, नमकीन, चटपटा और ठंडा ठंडा मीठा दही के साथ में इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बिरयानी, पुलाव, आलू भरा या किसी भी स्टफिंग पराठे के साथ में खाइए, इंजॉय कीजिए। अगर हमारा रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा हमारा रेसिपी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।